अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट, शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी पार्ट टू को। जी हाँ, क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी पार्ट टू को हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 क्वेश्चन दिया गया है पार्ट टू में भी। पार्ट वन में भी 4 क्वेश्चन था और पार्ट वन में भी 4 क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर क्वेश्चंस को। तो चलिए वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं और आंसर्स को देखते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह दिया गया है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु कार्य प्रधान क्यों होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का प्रमुख कार्य अपरदन करना है। वायु मुख्य रूप से अपघर्षण प्रक्रिया द्वारा अपरदन करती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु कार्य प्रधान होने के निम्नलिखित कारण हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला कारण देखिए, उद्भिद शून्यता, मतलब पेड़ पौधों का अभाव होना सबसे बड़ा कारण है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इससे यहाँ उद्भिद प्रजाति कम होती है और कुछ कुछ उद्भिद जैसे खजूर विपक्ष रूप से उपस्थित होते हैं, विपरीत परिस्थिति में उपस्थित होते हैं, इसीलिए वायु तीव्र वेग से अपरदन करती है, एक जगह से दूसरे जगह उड़ाते हुए लेके चली जाती है जो भी सामने आता है ना। नंबर टू को देखिए, बाधाहीनता, मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा विरल होने के कारण तीव्र वेग से बहती है, इसके फलस्वरूप मिट्टी और चट्टानों का क्षय अति तीव्र गति से होता रहता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, आंधी तूफान, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उद्भिद सुधार लीजिएगा करेक्शन कर लीजिएगा उद्भिद और घरों की कमी से हवा तीव्र गति से बढ़कर क्षय करती है, इस कारण आंधी तूफान आया करता है। नंबर फोर्थ देखिएगा, उष्ण और शुष्क हवाएं, मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं शुष्क और गर्म होती हैं, जिससे चट्टान और मिट्टी का अपरदन होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मरुस्थलीय अंचलों में या क्षेत्रों में वायु कार्य ही प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन किस प्रकार सुंदरवन को प्रभावित करता है? क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, उसको सुधार लीजिएगा। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सुंदरवन को निम्न रूप से प्रभावित करता है। नंबर वन, सुंदरी वृक्ष का विलुप्त होना, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदूषण और तापक्रम के बढ़ने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं उसकी लवणता भी बढ़ रही है, इस कारण सुंदरी वृक्ष रोगग्रस्त होकर विलुप्त होती जा रही है। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से द्वीप भूमि का कम होना, क्या रहा, समुद्र का जल अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो आसपास के द्वीप हैं वो समुद्र के पानी में डूबने लगेंगे, है ना, यही चीज़ हो रहा है। तो देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप सागर का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इससे सुंदरबन का सागर तटीय प्रदेश के कुछ भाग डूब रहे हैं, इसका असर सुंदरबन के उद्भिद और प्राणियों पर भी पड़ रहा है। तीसरा और अंतिम पॉइंट देखिए, चक्रवात तथा अनियमित बारिश, जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह देखने को मिल रहा है कि बार बार चक्रवात तथा अनियमित मानसूनी बारिश के फलस्वरूप इको तंत्र का नुकसान पहुंच रहा है, कहां पर, सुंदरबन में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सही से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, वर्षा के कारण जल का संग्रहण क्यों आवश्यक होता है? वर्षा के जल का संग्रहण निम्न कारणों से आवश्यक है। नदी प्रवाह क्षेत्रों में वर्षा का संग्रहण भी आवश्यक है और जहाँ पर नदी नहीं है उस इलाके में भी वर्षा का संग्रहण तो करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पानी जब धरती के भीतर जाएगी तो वाटर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो पानी का अभाव नहीं होगा,
पानी की किल्लत नहीं होगी मीठे पानी का। इसी को समझने के लिए, इसी के लिए हम लोगों को हमेशा प्रयत्नशील रहना होता है कि पानी को बहते हुए नहीं जाने देना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है ताकि पानी धरती के भीतर वाटर टेबल को मेंटेन कर सके। देखिए पहला क्या है, पीने योग्य पानी की प्राप्ति के लिए, दूसरा खेतों की सिंचाई के लिए, पशुपालन हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, स्थानीय कल कारखानों में जल की आपूर्ति पहुंचाने के लिए, मछली पालन के लिए जल की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भूमिगत जल में प्रदूषण की कमी को रोकने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट से लिगुड़ी का ये स्पेशल वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अल नीनो तथा ला नीनो किस प्रकार भारत की मानसूनी हवा को प्रभावित करता है? अल नीनो तथा इसके स्टडी पॉइंट से लिगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। नीना का, अल नीनो और ला नीना का भारत की मानसूनी हवा पर प्रभाव। देखिए अल नीनो एक गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर से होकर जब हिंद महासागर पहुंचती है तो हिंद महासागर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। कौन? अल नीनो जब पहुंचती है तब। इसे हिंद महासागर से उत्पन्न होने वाली ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कम होती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौसम विशेषज्ञों का विचार है या मानना है कि भारत में 1984 का भीषण सूखा एक अल नीनो के कारण ही पड़ा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल नीनो भारत की मानसूनी हवा को प्रभावित करती है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट से लिखी हुई सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाल नीना का भारत की मानसूनी हवा पर प्रभाव। ला नीना अल नीनो से बिल्कुल उल्टा होता है। यह चक्रवातीय मौसम को जन्म देता है। प्रशांत महासागर से होकर जब ला नीना हिंद महासागर में पहुंचती है तो उसके प्रभाव से हिंद महासागर में उच्च वायु दाब का गठन होता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं प्रबल हो जाती हैं तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा कराती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ला नीना भारत की मानसूनी हवा को प्रभावित करती है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।